अरे पति देव, आज ऑफिस से जाओगे क्या? कहीं और चले? क्या हो गया, आज ऑफिस ही जाना? मन नहीं है यार आज ऑफिस जाने का। तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही मन नहीं है यार। फिर क्यों नहीं जा रहे? कुछ बात हुई ऑफिस में? ऑफिस में तो कोई बात नहीं है एक्चुअली पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, क्या हुआ? एक बात बताओ, जैसे शादी से पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे ना, हम सारी बातें शेयर करते थे, तो क्या अब शादी के 5 साल बाद भी हम लोग दोस्त हैं क्या? दोस्त तो नहीं है। अरे मैं तुम्हारी पत्नी जो बन गई, अब दोस्त कैसे हो सकती हो? I know you are my wife, but फिर भी एक हमारा जैसे पहले बॉन्ड था ना, हम लोग एक दूसरे से कुछ भी शेयर करते थे, कुछ नहीं सोचते थे, जो मन में आया बोलते थे, पागलों वाली हरकतें करते थे, इतना ज़रा टाइम स्पेंड करते थे साथ में, तो क्या अब भी हमारा रिश्ता वैसा ही है कि हम एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे? तभी तुम मुझसे कुछ भी बोल सकते हो। हमने शादी करी है, हमने 7 फेरे लिए हैं, और हमने ये भी कहा था कि हम एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगे। तुमसे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। बात तो है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? हाँ तो बताओ क्या हुआ। मैं याद है अभी मैं कुछ दिन पहले ऑफिस पार्टी में गया था। गए तो थे और तुम पीकर भी आए थे, हमारा झगड़ा भी हुआ था। मेरी टीएल स्नेहा वो भी उस पार्टी में थी। हाँ जो बहुत पियक्कड़ है, पता है मुझे। तो क्या हुआ? तो एक्चुअली उसने ना बहुत ज्यादा पी ली थी, इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया कि वो कैपेबल नहीं थी ड्राइव करने के, तो उसने मेरे से बोला, इंसिस्ट किया कि यार प्लीज मेरे को घर छोड़ दे। तो आई थॉट ओके, अब वो ऐसे जाती ड्राइव करती है एक्सीडेंट वगैरह, तो मैंने कहा ओके मैं छोड़ देता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ तो बस वही था कि मैं उसे घर छोड़ा, एंड अनफॉर्चुनेटली टू व्यू ऑन लिटरली मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ है। सडनली सी किस मी जो सॉरी, मैं तो बता नहीं सकता, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ सोचती है, एंड आई एम श्योर उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ड्रंक, मैं भी ड्रंक था, तो आई डोंट नो, मैंने ऐसा कोई इंसिस्ट नहीं करा, उसने मुझे किस करा। एंड टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी कसम, मैं तुरंत वहां से निकल गया और आज 4 दिन हो गया मैं उससे मिला भी नहीं यार। मुझे पता होता ना मैं कभी नहीं जाता यार, सो सॉरी यार, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, सो प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पे शक करूंगी? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम नाराज नहीं है? नाराज तो हूं, लेकिन इस बात से नहीं कि उसने तुम्हें केस किया, इस बात से कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई नहीं। सो सॉरी यार, मैं कैसे तुम्हें बताता, मैं इतना बड़ा गिल्ट में था, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंड आई नो आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ, यू नो आई लव यू, आई रियली लव यू, आई कांट लूज यू यार। अरे बेबी, हमने शादी इसलिए थोड़ा ना करी थी कि बस साथ में रहने के लिए। हमने शादी इसलिए करी है ताकि हम एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं, एक दूसरे से हर एक मन की बात बताएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के स्ट्रेंथ बने। और तुम इतनी सी बात अपने मन में लेके बैठे हो यार। मैं तुम्हें उन लोगों के बराबर समझा जो बिना सब जाने एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और उससे कहीं ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तुम मुझे तो कभी धोखा नहीं दोगे। नहीं बताता मेरी बीवी मुझसे, मैं तुम्हें सब कुछ बताता, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी बात होगी, कोई भी बात होगी,
बिना सोचे समझे तुमसे कहूंगा कि आई नो कि तुम तो अब भी नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मैन, लव यू। ओके, मैं नहीं पता मैं दिल से कितना कितना बड़ा बोझ उतर गया। आई थिंक अब भी टाइम है मैं ऑफिस जा सकता हूँ। मैं आज 4-5 दिन के बाद ऑफिस जाऊँगा खुश होके कि आई डोंट हैव एनीथिंग, बस बस थैंक यू एंड आई लव यू। बस फटाफट मेरे लिए कुछ चाय बना दो, थोड़ा सा सर भारी हो रहा है। ठीक है, फटाफट रेडी हो, मैं तुम्हारे लिए लंच भी लेकर आती हूँ। चलो, लव आई लव यू।